आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबर सहारनपुर से है, जहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक इमरान मसूद ने आज अपने समर्थकों के साथ सपा ज्वाइन करने का ऐलान किया। इस दौरान इन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को ऐसी सरकार का गठन करना चाहिए जिससे प्रदेश विकास की ओर बढ़े, जबकि इमरान मसूद के साथ ही सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से पूर्व विधायक मसूद अख्तर भी अब सपा ज्वाइन करने का ऐलान कर चुके हैं। देखिए, अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि इमरान भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज यहाँ जो 10 तारीख की मीटिंग बुलाई गई है, वो आज कांग्रेस के वर्कर की हैसियत से यहाँ बुलाई गई है, और मैं भी कांग्रेस का वर्कर हूँ, सिपाही हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ पर अपने सभी साथियों के साथ आया हूँ। जो निर्णय होगा उस पर बात होगा। मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूँ, और सैद्धांतिक रूप से मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त अखिलेश जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और अखिलेश जी के हाथ को मजबूत करने के लिए अखिलेश जी के साथ खड़ा हूं। बाकी निर्णय सब अखिलेश जी का, जो उनका निर्णय है वो मैं मानूंगा, मुझे उसमें कोई बोलना नहीं। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना टूंडला के एक रेस्टोरेंट में कांग्रेस महापंचायत का आयोजन किया गया, जबकि बीते दो दिन पहले ही चुनाव आयोग ने सभी मीटिंग, पंचायत और रैलियों पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बावजूद आचार संहिता के साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जबकि आज जिलाधिकारी ने आचार संहिता के गाइडलाइन और चुनाव प्रक्रिया के बारे में प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी भी दी थी। एक वीडियो वायरल हो रही है जो कल की है, थाना क्षेत्र सागंज की है। इसमें MCC कोर्ट का डायरेक्ट उल्लंघन दिख रहा है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सागंज द्वारा FIR पंजीकृत करा दिया गया है। इसके अलावा विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर कांग्रेस नेता नदीम जावेद ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन को अनदेखा करते हुए शाहगंज विधानसभा में कई गाड़ियों के काफिले के साथ जनसंपर्क किया। इस दौरान नदीम जावेद की गाड़ी में लगे हूटर लगातार बज रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है, और अब जांच शुरू की गई है। एक वीडियो वायरल हो रही है जो कल की है, थाना क्षेत्र सागंज की है। इसमें MCC कोर्ट का डायरेक्ट उल्लंघन दिख रहा है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक सागंज द्वारा FIR पंजीकृत करा दिया गया। इसके अलावा विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर आगरा से है, जहां पर स्याह में पुलिस अभिरक्षा में लेडी लॉयल हॉस्पिटल में अपना मेडिकल कराने आई युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान युवती ने बताया कि बाह विधानसभा के ब्लॉक प्रमुख लाल सिंह चौहान ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, आरोपी पीड़िता को सड़क पर फेंक कर भाग गए, जिसके बाद पीड़िता ने 112 पर कॉल करके पुलिस को खुद के साथ हुई हैवानियत की सूचना दी। जनता पार्टी की कैबिनेट मंत्री आर्दमन सिंह एवं यहां प्रेजेंट विधायक पचपालका सिंह, 5 साल का कार्यकाल इनका जो हुआ है, वहां गैंगरेप की घटना कुशवा समाज के साथ मनोना में हुई, खेड़ा देवीदास में हुई, और ये जिसने घटना की है ब्लॉक प्रमुख है, लाल सिंह चौहान इसका नाम है, सारे फुटेज मौजूद हैं। ये पचपालका सिंह विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री आर्दमन सिंह का खास आदमी है। ये लोग बाहा विधानसभा के अंदर भी ये घटना करते रहे हैं, कई मर्डर हुए हैं। आज ये घटना हुई है, ये बुलंदशहर की खुर्जा निवासी लड़की है, इसके साथ गैंग रेप हुआ है। हम समाजवादी पार्टी के लोग उसकी न्याय की लड़ाई एवं उसका जो खोया हुआ अतीत है, हम लोग विरोध करते हैं। एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 नंबर से कि एक महिला ने सूचना दी कि मेरे साथ दो व्यक्तियों ने गलत काम किया है, तो इस पर हम लोगों ने कहते हैं तत्काल महिला से पूछताछ की, तो ये प्रकाश में आया है कि ये महिला उस व्यक्ति के टच में है, और कई बार ये आगरा उनके साथ आई हैं, कई और जगह भी गई हैं। अब उस व्यक्ति की निशानदेही कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई करी जा रही है।
अगली खबर झांसी से है, जहां पर इलाइट चौराहे पर पुलिस ने आचार संहिता का पालन कराते हुए वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान जिन वाहनों पर किसी भी पार्टी के झंडे, बैनर और पोस्टर लगे हुए थे, उन सबको हटवा दिया गया। साथ ही जिन वाहनों के ऊपर हूटर लगे हुए थे, उनको भी निकलवाया गया और चालान भी काटे गए, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों को जागरूक किया गया। तो झांसी में आज आचार संहिता लगते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। आपको बता दें कि पुलिस ने आज चेकिंग अभियान चलाया है। इस सघन चेकिंग अभियान के तहत वाहनों की चेकिंग की गई, जहां पर किसी भी पार्टी के पोस्टर लगे हुए गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जिन भी गाड़ियों पर हूटर या फिर पोस्टर लगे हुए थे, सभी को हटवा दिया गया है। वहीं कई गाड़ियों के चालान भी किए गए हैं। सभा चुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और जनपद झांसी का पुलिस प्रशासन कंटिन्यू जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करवा रहा है। आज पैरामिलिट्री के साथ एरिया डोमिनेशन का कार्यक्रम झांसी पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। जो काली फिल्म लगे या होटल सायरन के साथ लोग चल रहे हैं, उनके विरुद्ध FIR दर्ज करी जा रही है। अन्य जो विधिक कार्रवाई है वो संपन्न करवाई जा रही है। फोर व्हीलर की चेकिंग हो रही है ताकि किसी तरह कोई भी प्रलोभन वाला सामान कोई लेके अगर जाता है तो तत्काल पुलिस प्रशासन उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सके। वही लखीमपुर खीरी के सिंघाई गांव क्षेत्र में एक गांव में खेत में नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सिंघाई थाना क्षेत्र में ये नरकंकाल बरामद हुए हैं, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पूरे मामले को लेकर कहा जा रहा है कि सिंघाई के सीतलापुर क्षेत्र में दो नरकंकाल मिले हैं, जिनमें एक महिला का और एक नरकंकाल बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी है। नरकंकाल के पास से कुछ सामान भी बरामद किया गया है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अगली खबर सोनभद्र के बीजपुर से है, जहां प्यारी दुनिया समाचार ग्रुप में एक युवक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अश्लील फोटो भेजी, जिससे स्थानीय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन के साथ रोड जाम किया, जिसके कारण घंटों यातायात बाधित रहा है। जिसकी सूचना पर पहुंचे बीजपुर थाना प्रभारी ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। कुछ देर पहले प्यारी दुनिया न्यूज ग्रुप है, उसमें जो है हमारे राष्ट्र पूरे हिंदू लोगों को अपने देश के प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक फोटो जो है उस पर डाली गई, जो एक समुदाय विशेष के द्वारा जो है हिंदू भावनाओं को या राष्ट्रवादी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इस तरह का कुकृत्य किया गया है, जिसको हम लोग नहीं सहेंगे। आज सुबह में 11 बजे नई बीजपुर बाजार का निवासी एक मोहम्मद इसालत, पिता का नाम उसके अज्ञात, हालांकि लोग कह रहे हैं अलहू नाम है, उसने जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी का अश्लील फोटो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ डाला है, जो जिससे हम लोग काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं। अगली खबर बैनपुरी से है, जहां पर तहसील भोगांव के गांव नरसिंहपुर में नाले का पानी खेतों में जा रहा है, जिसके चलते किसानों की 500 बीघा फसल जलमग्न हो गई, जिसके चलते किसानों की आलू, लहसुन और गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दिनों हुई रिमझिम बारिश से नाला भरा हुआ था, जिसके कारण बरसात के पानी की निकासी नहीं हो सकी और बरसात का पानी खेतों में भर गया, जिससे सैकड़ों बीघा फसलें जो है वो बर्बाद हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से नाला साफ कराए जाने और फसलों का मुआवजा दिलाई जाने की मांग की। समस्या का सब साफ प्रसाद, फसल डूब चुकी है पानी में, अब जगह जलो नाला ना खोदे तो साहब इंतजाम कैसे हो, हम लोग का खाए कैसे गुजर बसर चले है। क्या कौन कौन सी फसल यहाँ पर फसल है? आलू है, लहसुन है और गेहूं है, या तो साल भर एक फसल है साहब, आगे चल गए कैसे व्यवस्था बनेगी, अगले चल गए, या तो सरकार को इंतजाम करे या तो नाला खुदवाए। तो क्या चाहते हैं आप लोगों की, क्या मांग है? हम लोगों की इच्छा जो है कि नाला आर पार कद्दू जाए और जैसे जैसे सुचारू रूप से जब फसल तैयार हो। और नाले के पानी की कोई निकासी नहीं है क्या? कोई निकासी ना है, पूरे टाउन एरिया का पानी सब इसी झील में आ गया है। आलू, लहसुन, गेहूँ और जितनी फसल है इस टाइम की वो सारी बर्बाद हुई सर।
पानी की निकासी अभी समस्या आई है या पहले से ही? पानी की निकासी समस्या कभी की है सर, अभी से नहीं है। इसके बारे में कहीं कोई शिकायत पहले की हो? पहले शिकायत की काफ़ी बार साहब की, कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं पे भी। कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं सुन रहा आपकी समस्या को? कोई नहीं सर सुनता है इसमें। रायबरेली के विकास क्षेत्र सलोन के गांव भवानीपुर में महज 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गौशाला बनाई गई है, जिसकी देखरेख करने वाले 2 लोगों की मौजूदगी में भी मवेशियों का झुंड खुले में घूम रहा है और किसानों की फसलें नष्ट कर रहे हैं, जिससे किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जबकि गौशालों में भुखमरी और पानी के कारण गायों की मौत हो रही है। इस मामले पर स्थानीय लोगों का कहना है कि गौशाला में मवेशियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, जबकि गौशाला में काम करने वालों को भी उनका वेतन नहीं दिया गया। से गौशाला चालू हुआ जी? कितना समय हो गया गौशाला खुली? 1 साल 2 महीने करीब हो गए जी। तो इनकी सेवा करते हो गौ की, तो आपको कहीं से कुछ रुपए मिलता है, कोई देता है? हाँ जी, मंत्री और प्रधान मिलकर 2 महीने का दिए अभी। कौन प्रधान और मंत्री के नाम जानते हैं? प्रधान का नाम छब्बी कहते हैं जी, सुराम सुराम। कहाँ के हैं ये ग्राम सभा? यही भवानीपुर का जी। तो ये आपको पैसे यही देते हैं? हाँ जी। कितना देते हैं पैसे? 6,000 रुपया महीना। तो आपको साल भर हो गया, पूरा पैसा मिल गया आपको? नहीं जी, 2 महीने का मिला बस। पूरे साल में सिर्फ 2 महीने का? हाँ जी। कितना रुपया मिला है? 12,000। उसके अलावा आज तक नहीं मिला है? नहीं जी। तो कैसे आप अपना काम चलाते हैं जी? घर से चलाते हैं, बच्चों बच्चों से मांग लेते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रधान से बोला नहीं कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं, वो हमारे लिए हमारी पैसा दीजिए? पैसे के लिए बोला नहीं आपने? बोलते हैं जी, वही कहते हैं कि देंगे। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज अहमद उर्फ पप्पू की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के बाहुबली नेता और विधायक रिजवान जहीर बेटी जेबा रिजवान और दामाद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने टिकट न मिलने पर फिरोज की हत्या कर दी थी, जबकि इन लोगों पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज है और उन्होंने कई बार फिरोज की हत्या का प्रयास भी किया था, जिसमें वो पहले विफल रहे। तुसीपुर निवासी पूर्व चेयरमैन श्री अफरोज अहमद की सूचना मिली थी कि रात में अनजान व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके भाई अफरोज अहमद उस रिंकू की तहरीर पे हमने मुकदमा लिखा था। मुकदमा लिखने के बाद हमने पुलिस की टीम्स लगाई और करीबन 10 टीमों का गठन किया था, जिसमें 3 हमारे CO साहब लोग भी थे और इसकी मुख्य प्रवेक्षण अधिकारी हमारी एडिशनल SP नमिता श्रीवास्तव रही हैं। इसमें हमने CCTV मैनुअल इंटेलिजेंस और कैमरेज पे बहुत सारा काम किया। करीबन तुलसीपुर में 250 कैमरेज हैं जो चेक किए, ढेर सारा क्या कहते हैं, हमने मोबाइल पे काम किया, मैनुअल इंटेलिजेंस पे काम किया, 100 से अधिक लोगों से हमने इस पर पूछताछ करी है और फिर ये केस आज की डेट में वर्कआउट हुआ है। जेबा रिजवान जहीर रिजवान जहीर रमीज, उसके अलावा क्या कहते हैं, जो इस इनके बीच में जो इंटरमीडिएटरी रहा है, जो इनके कोठी पे ही काम करता था शकील, वो है, और जो घटना जिन्होंने मुख्य कारित करी है महराज और महफूज, ये जेल जा रहे हैं, इनके पास से बरामदगी है और ये घटना इस तरह सफल वर्कआउट है। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां सदर तहसील के गांव सिखेड़ा में महिलाओं ने देशी शराब बिक्री का विरोध करते हुए शराब निकाल कर ठेके के बाहर फेंक दी। इस दौरान महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि शराबी युवक महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं और मंदिर पर भी शराबी अभद्र व्यवहार करते हैं, जबकि इस पूरे मामले पर जिला आबकारी अधिकारी का कहना है कि किराए के विवाद के कारण ठेका शिफ्ट किया गया है और महिलाओं का आरोप बेसलेस है। ये क्या है भैया, हमने तो मंदिर बनवाया बालाजी का, हनुमान जी का, और इन्होंने यह शराब का ठेका खोल दिया है। इस ठेके से बच्चे पर कितना गलत असर पड़ रहा है कि आते हैं और यह शराब पीते हैं, और बाहर से भी आते हैं और भी आते हैं, जन कहां कहां से पता नहीं, और बदतमीजी करते हैं, टॉयलेट भी वहीं करते हैं। हाँ, मंदिर की नल से ही पानी लेते हैं, उससे पानी लें और बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, चाहे घर में अनाज ना हो खाने के लिए, लेकिन यहाँ शराब पी पी के बदतमीजी कर रहे हैं। वो है दरवाजा, उसका गेट हनुमान जी का मंदिर है, वही दारू पी में और वही बदतमीजी करें, और औरत और लड़की हमें गांव की बस में नहीं चढ़ने देते, और बताओ बालाजी महाराज का मंदिर बनाया हमने अभी,
जैसे तैसे करके, और इन्होंने यहाँ ठेका कर रखा है, इतनी गुंडागर्दी हो रही है जिसका कोई हिसाब ना। ये ठेके। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी ने दबरई कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से बात करते हुए बताया कि जनपद में 5 विधानसभा हैं जिसकी तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। इस दौरान सभी जनता से जिलाधिकारी ने अनुरोध करते हुए कहा कि सभी ज्यादा से ज्यादा बूथ पर आकर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान करें। वहीं बलिया में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने युवती का शव मिलने के मामले में खुलासा किया है। बता दें कि शौच करने गई युवती का पानी में उतराता हुआ शव बरामद किया गया था। इसी मामले में पुलिस के हाथ अब सफलता लगी है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी युवक के साथ युवती का प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग और शादी को लेकर हुए झड़प में आरोपी ने युवती की हत्या कर दी, और अब ये मामले जो है ये न्यायालय में चल रहा था, जिसके बाद अब आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उभाव थाने का बताया जा रहा है। थाना उभाव में 4 जनवरी को एक अज्ञात युवती का शव मिला था। उसकी पिता की तहरीर पर धारा 302 में थाना उभाव पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। एसपी बलिया सर द्वारा कई टीमें गठित की गई थी, उनकी टीमों के द्वारा सर्च ब्लास्ट का यूज करते हुए और अन्य मुखबिरी का उपयोग करते हुए आज सुबह 10 तारीख को 4:15 पर आंचल राजभर, जो वहीं अंचल राजभर जो कि रामपुर कानूनगो गयाना का रहने वाला था, उसकी आज गिरफ्तारी की गई है। जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन मृतका से इस अंचल राजभर की मुलाकात हुई और उसने शादी को लेकर इनमें आपस में झगड़ा हुआ, उसी के दौरान उसने धक्का दिया और वो नहर में पानी में गिर गई, जिसमें अंचल राजभर द्वारा उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। अगली खबर बांदा से है, जहां शहर कोतवाली के काशीराम कॉलोनी में चुनावों से पहले पुलिस और एसओजी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 500 लीटर शराब और शराब बनाने का सामान बरामद किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने मौके से एक गाड़ी भी बरामद की है, जिसका इस्तेमाल तस्कर शराब की सप्लाई के लिए किया करते थे, जबकि इस गैंग का मुखिया ज्ञानेंद्र भी हिरासत में ले लिया गया है, जो कि एक पुराना शराब का तस्कर है। देखिए, जनपद बांदा में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, जिसके तहत जितने तरह के भी क्राइम हैं, खासकर की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उन पर हम लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ पे एक अपमिश्रित शराब बनाने वाले गैंग का को पकड़ा है हम लोगों ने, और ये गैंग काफ़ी मात्रा में जो स्पिरिट लेकर आता था और उसको उससे हम ये जो है अपमिश्रित शराब पैदा करता था, उसको तैयार करता था। इसमें हम लोगों ने टोटल 6 लोग को अभी हम लोगों ने गैंग को डेवलप किया है, जिसमें कि 4 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। 2 लोग जो हैं उसमें से भी फरार हैं, और ज्ञानेंद्र कर इसका एक जो है गैंग का मुखिया है। आगे जो है इसमें हम लोगों ने लगभग 500 लीटर के आसपास अपमिश्रित शराब पकड़ी है, एक अल्टो गाड़ी जिससे उसका परिवहन किया जाता था, और 50 लीटर स्प्रिट मिली है। और ये कहाँ से आई है, आगे किस तरीके से इसको खपाया जाएगा, ये चीजें भी। वहीं उन्नाव में सदर कोतवाली पुलिस और आबकारी टीम की संयुक्त कार्यवाही में उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस कार्यवाही में पुलिस ने 20,000 लीटर शराब को बरामद किया है, जबकि मौके से खाली गत्ते, बोतल, रैपर बरामद किए गए हैं। इस दौरान एसपी ने बताया कि एक युवक ने सरकारी देशी शराब का ठेका है जिसकी जांच करवाई जा रही है, साथ ही दुकान कैंसिलेशन की कार्यवाही भी जारी है। आज कोतवाली और हमारे आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा लगभग 20,000 लीटर निर्मित व अर्धनिर्मित शराब बरामद हुई है। इस संबंध में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और इसके साथ काफ़ी मात्रा में स्पिरिट, खाली बॉटल और गत्ते, रैपर सब बरामद हुए हैं, और लगभग 20 लाख रुपए की शराब जो है इसका मूल्य आका गया है, और 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, और इसके पीछे और भी गहराई से जांच की जा रही है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कई जनपदों में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत लूटी हुई मोटरसाइकिलें और गहने बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस गैंग का खुलासा करने वाली टीम को बधाई भी दी।
कन्नौज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चारों अभियुक्त लूट की फिराक में खड़े हुए थे। हालांकि चारों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। अपने सहयोगी सचिन शुक्ला के साथ राम ऋषि पांडे, प्राइम टीवी, कन्नौज। वहीं झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष आशुतोष तिवारी के साथ भारी संख्या में भीड़ को इकट्ठा किया गया और भारी संख्या में भीड़ ने इकट्ठा होकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। सभी लोगों ने नियमों का उल्लंघन तो किया ही, साथ ही कोरोना के बढ़ते खतरे को भी नजरअंदाज कर दिया। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए प्राइम टीवी ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। नमस्कार, मैं हूं आलोक मिश्रा, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। धारा 144 लागू हो चुकी है। इस समय मौजूद हैं झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कॉलेज के जस्ट बाहर। आप देख सकते हैं अभी कुछ दिनों, कल की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर कोरोना का बम फूट पड़ा है। लगातार गर्ल्स हॉस्टल की बात करें या बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो काफ़ी मामले निकलते चले आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी हमने देखा कि यहाँ पर ये एनएसयूआई का एक कार्यक्रम चल रहा है, इसमें लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ना इन्हें 144 की फिक्र है और ना ही इनको कोरोना की कोई डर है। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी। इस भीड़ का क्या मतलब है? कोरोना के बम जो है लगातार फूटता जा रहा है, धारा 144 भी लागू है, उसके बाद आपकी इसका क्या अर्थ माना जाए? कोरोना है कहाँ? मुख्यमंत्री जी का हमारे कहना है कि कोरोना कहीं नहीं है। ये तो हमारे आपसी लोगों का प्रेम है कि जो क्या कहते हैं, आज गर्मजोशी के साथ स्वागत किए। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। आपके यहाँ भी कल ही यूनिवर्सिटी के अंदर कोरोना के बहुत सारे मामले निकले। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें या बॉयज़ के हॉस्टल की बात करें तो सूत्रों के आधार पर पता चल रहा है कि लगातार 30 मामले निकले हैं, उसके बाद भी आपने इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी की है। लेकिन देखिए क्या कहते हैं, ये कोरोना का कोई वो नहीं है। जब क्या कहते हैं, मामले तो निकले हैं ना, फिल्म शूटिंग हो, मामले तो निकले हैं ना, फिल्म शूटिंग हो, मेरी बात सुनिए, मामले निकले हैं ना, हाँ, उसके बाद आपको नहीं लगता कि आप यूनिवर्सिटी के छात्र हो, सब लगभग इसमें आधे से ज़्यादा जो हॉस्टल के छात्र ये पहले का एक दूसरे से? मोदी जी ने कहा था वैक्सीन लग चुकी है जिन्हें, उनको कोरोना नहीं हो सकता, तो मैं दोनों डोज लगवा चुका हूँ। और आचार संहिता कल से लागू हो गई है, उसके बारे में? आचार संहिता लागू हो गई है तो ये तो आपसी प्रेम है, भाईचारे का। अच्छा, आचार संहिता लागू होने के बाद आपका आपसी प्रेम है, आप कहीं पे भी भीड़ इकट्ठी करके पथराव मचाओगे? मैं भीड़ नहीं इकट्ठी किया हूँ, ये मेरे साथी हैं जो क्या कहते हैं भीड़ इकट्ठा करके आए हैं, स्वागत कर रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद। ये थे आंसू जो एनएसयूआई का, इनके द्वारा कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार की गई। ना इनको धारा 144 की कोई फिक्र है, ना ही इनको कोरोना का कोई डर है। कैमरामैन आजाद के साथ आलोक मिश्रा, झांसी। चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी नेता मैदान में अपना हाथ आजमा रहे हैं और लोगों को अपने वादों से लुभावने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में 2022 के चुनाव के साथ ही मुजीब अहमद ने बसपा से अपना पाला बदलकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा का दामन थाम लिया है। मुजीब अपने दलबल के साथ सुल्तानपुर जिले के पार्टी कार्यालय पहुंचे तो जिलाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों ने मुजीब का माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। सबसे बड़ी बात है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनका जो जन जन को संदेश है, विकास का संदेश है, रोजगारों का, रोजगार की लोगों के लिए रोजगार देने का संदेश है, और जो उन्होंने डेवलपमेंट करा है उसका सबसे बड़ा लोग में ये जानकारी है कि जो डेवलपमेंट करा है वो अखिलेश यादव जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो बहुत कुछ है गिनाने के लिए, तो आपको मैं एक तरफ से अगर गिनाऊं तो उन्होंने विकास के नाम पे आगरा एक्सप्रेस वे जो बनाई है उसकी क्वालिटी देखिए आप, और जो उन्होंने स्टेडियम बनाया, आईटी सिटी बनाई, रिवर फ्रंट बनाया, 1090 चौराहे पे जितना भी डेवलपमेंट कराया लखनऊ में उन्होंने ही करा है, JPINIC जैसी करा, कैंसर हॉस्पिटल करा, गिनाने के लिए तो बहुत कुछ है मगर शब्द कम पड़ जाएंगे, काम बहुत है। तो काम के बेस पे और सब समाज को जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं और काम करके दिखाएंगे, और काम करा है, विकास का काम करा है। हम लोगों को झांसा देने नहीं आए, जैसे BJP के लोग झांसा देते हैं, हम लोगों को झांसा नहीं देना है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।